सभी मित्रों को नमस्कार। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। विश्व युद्ध के दौरान किसी आदिवासी इलाके में मजबूरी में एक हवाई जहाज को उतरना पड़ा। हवाई जहाज के यात्री तो वहां से या तो समाप्त हो गए थे या जो बचे वे भाग खड़े हुए। युद्ध में क्या हुआ कुछ पता नहीं। जब आदिवासियों ने उस हवाई जहाज को देखा उन्हें कुछ भी समझ में ना आया कि ये क्या है। सब भीड़ लगा के जमा हो गए, विचार करने लगे। उनमें जो सबसे विद्वान था उन आदिवासियों का पंडित पुरोहित वहां का, उसने कहा कि जरूर परमात्मा ने हमको यह उपहार भेजा है। उस हवाई जहाज के भीतर पायलट की लाश मिली, लगता है बम्बार्डिंग में वह मर गया या जो कुछ भी हुआ हो। उन्होंने समझा कि यह वह देवदूत था जो इस उपहार को यहाँ लेकर आया है प्रभु की तरफ से, लेकिन वह मर गया है। उन्होंने उसकी कब्र बना दी और उसकी पूजा करने लगे। हवाई जहाज को एक पवित्र स्थल के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया, पूजा प्रार्थना का स्थल बना लिया। कुछ नियम कानून बन गए, 5 प्रकार के संयम उन्होंने बरतने शुरू कर दिए। किसके पास जो भी आएगा वो स्नान करके आए, उपवास करके आए, कम से कम 3 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, ये किया हो, कई नियम बन गए। स्नान करके आना है, केवल वटवृक्ष के पत्तों के बने वस्त्र जब पहनो तब आना है। स्त्रियां उस हवाई जहाज को छू नहीं सकती और नीची जाति के लोग स्पर्श भी नहीं कर सकते, कम से कम 20 फुट दूर उससे रहें। कई प्रकार के नियम बन गए। फिर उन्होंने सोचा और इसका क्या किया जाए। पूजा प्रार्थनाएं वहां होने लगी, मनोकामनाएं पूर्ति होने लगी। धर्म के नाम पर जैसा सब जगह शोषण शुरुआत होती वहां भी शुरुआत हो गई। क्रियाकांड शुरू हो गए। हवाई जहाज के 5 चक्कर लगाने से पुण्य मिलता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नए नए सिद्धांत प्रतिपादित हो रहे हैं, किसी को पता नहीं कि यह है क्या। मनगढ़ंत कथाएं अपनी अपनी गढ़ के, न जाने वहां क्या क्या शुरू हो गया। दूसरे आदिवासी इलाके जो दूर दूर थे वहां तक खबर पहुंच गई। वहां से लोग तीर्थ यात्रा के लिए जैसे जाते हैं वैसी भीड़ की भीड़ उमड़ने लगी देखने के लिए। भीतर जो सीट्स थी उन पे बैठने की फीस ली जाने लगी। एक मुट्ठी अनाज, वहां रुपए पैसे तो थे नहीं आदिवासियों के पास, एक मुट्ठी अनाज लिया जाता था, भीतर सीट पर आसन कराया जाता था, 5 मिनट बैठ के विदा। और उससे कहते थे बड़ा पुण्य लाभ होता है जो उस आसन को ग्रहण करता है। पंखों का क्या करें, किसी को सूझा बहुत आविष्कारक किस्म का रहा होगा, इसको जोर से घुमाने से हवा चलती है। इस वायु में विशेष गुण है, इसमें जो सांस लेगा उसको ये लाभ होंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा, उम्र लंबी होगी। भांति भांति की भ्रांतियां फैलने लगी। लोग आते पंखा को घुमाते, उसकी हवा में सांस लेते, ये शुरू हो गया। बहुत समय के बाद इस आदिवासी का इलाके का एक लड़का पास के गांव में पढ़ने गया था। जब वो प्राइमरी स्कूल पढ़ के वहां से लौटा तो वही सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति था इस इलाके का, प्राइमरी फेल। उसने कहा कि मैंने वहां गांव में ट्रैक्टर चलते देखे हैं, आगे ट्रैक्टर होता है पीछे ट्राली होती है, उसमें लोग पेट्रोल डाल के चलाते हैं। ये हवाई जहाज भी कुछ अच्छे किस्म का ट्रैक्टर है, ये सामान ढोने के काम आ सकता है। लोगों ने कहा ये चलेगा कैसे, वहां कोई पेट्रोल को जानता नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो ये लड़का बहुत होशियार, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, पढ़ लिख के आया है। सब लोगों ने धक्का लगा के उसको चलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सामान ढोने लगे, यात्रा के भी काम आने लगा। लोग शौक से उसमें बैठते, कुछ लोग धक्का मारते, उनको भी मजदूरी मिल जाती धक्का मारने की, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। फिर जब इस लड़के ने बताया कि पेट्रोल से चला सकते हैं तब तो और भी अद्भुत हुआ। उसी लड़के को भेजा गया कि तुम जाओ कहाँ मिलता है पेट्रोल। वो पेट्रोल लेके आया और उसने पेट्रोल डाल के वहां से ट्रैक्टर चलाना वो सीख के भी आया, गांव से ट्रेनिंग लेके आया, और उसने किसी न किसी प्रकार इसको चलाना शुरू कर दिया। अब वो पेट्रोल से चलने लगा, धक्का मारने की जरूरत ना पड़ती थी, बड़े मनोरंजन का साधन हो गया। ऐसा वाहन उन्होंने जिंदगी में कभी ना देखा था, उनके लिए चमत्कार ही था पेट्रोल से किसी चीज का चलना।
फिर कहते हैं संयोग बात, ये लोग तो उसमें यात्रा करते थे एक जगह से दूसरी जगह शौक या मनोरंजन, और दूसरा कचरा वगैरह ढोने के काम में लाते थे। कुछ खास चीज तो वहां ढोने को थी नहीं, गोबर की खाद थी यहां से वहां ले जाने के लिए। बड़ा व्यापार शुरू हो गया, एक इलाके से आदिवासियों के दूसरे इलाके में गोबर की खाद बिकने जाने लगी हवाई जहाज में। कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाता तो वो लोग बैलों को या घोड़ों को जोत लेते उसमें, और उनसे भी काम चला लेते बिना पेट्रोल के भी। बड़े मजे से काम चल रहा था। फिर एक दिन संयोग के बाद कोई पर्यटक टूरिस्ट वहां से गुजरते थे, वो देख के हैरान हुए कि हवाई जहाज में बैल जोते हुए हैं और गोबर की खाद ढोई जा रही है। उनका पागलो, तुम पता है क्या कर रहे हो, इससे आकाश में उड़ सकते हैं। उन्होंने किसी ने भरोसा ना किया, उनका उड़ सकते हैं तुम उड़ा के दिखा दो। पहले तो उसका बहुत विरोध हुआ कि वो हमारा परंपरा विरोधी है और हमारी रूढ़ियां चली आ रही हैं कितने सालों से, उनका विरोध कर रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं हुई, बामुश्किल कुछ विद्रोही किस्म के लोग तैयार हो गए मानने, कुछ युवक। वहां सांप्रदायिक दंगा छिड़ गया, वृद्ध लोग कह रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, हमारी धार्मिक चीज को ये कह रहा कि उड़ाएंगे हवा में, हंसी मजाक है क्या, ये हमारा मंदिर जैसा है। और कुछ युवा कहने लगे कि हाँ उड़वाएंगे। संयोग की बात, वो टूरिस्ट स्वयं पायलट था, उसने थोड़ा बहुत कुछ इंतजाम किया, कुछ सुधार वगैरह किए और उड़ा के दिखाया। तब लोगों को समझ में आया हम क्या बेवकूफी कर रहे थे। प्यारे मित्रों, क्यों यह कथा आपसे कह रहा हूं, योग के साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ है। कोई चीज जो आकाश में हमें उड़ा सकती है, हम उसके साथ ना जाने कौन कौन से क्रियाकर्म जोड़ दिए हैं, पूजा पाठ जोड़ दिए हैं, धार्मिक अनुष्ठान बना दिए हैं, संयम नियम कई कई प्रकार के कानून बना लिए हैं। हमारे आसन और प्राणायाम भी वैसे ही हैं जैसे भीतर सीट की सीट पर जाके बैठने से वहां पुण्य मिलता था आसन, और हमारा प्राणायाम भी वैसे ही है जैसे कि हवा चक्री को घुमा के, पंखे को घुमा के जो हवा में सांस लेने से स्वास्थ्य लाभ होता था, होता होगा मैं मानता हूं। लेकिन हवाई जहाज सिर्फ इसके लिए नहीं है, हवाई जहाज किसी और पर्पस से बना है। महर्षि पतंजलि ने योग के आठ अंग कहे हैं। दुर्भाग्य की बात, सारे विश्व में योग के नाम पर जो चल रहा है वह केवल दो अंग हैं, आसन और प्राणायाम, बस। हो सकता है उनसे स्वास्थ्य लाभ होता हो, उम्र लंबी हो जाती हो, बाल काले हो जाते हैं, त्वचा चमकीली हो जाती हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन योग सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होता, यहां से शुरुआत होती है। तो वो जो आठ अंग हैं उनके प्रथम पांच अंगों को बहिरंग कहा गया है, ये गौण बातें हैं, और अंतिम तीन अंगों को अंतरंग कहा गया है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं योग के। ऐसे समझना कोई मंदिर है और उसकी पांच सीढ़ियां हैं, उस व्यक्ति को क्या कहोगे जो पहली दूसरी सीढ़ी पे ही बैठ गया और उसी को मंदिर समझ रहा है और परमात्मा की मूर्ति तक वह पहुंच ही नहीं पाता, और उसे ख्याल भी नहीं कि कुछ और भी आगे। ये सीढ़ियां तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए थी, वो सीढ़ी पर ही अटक गया। सीढ़ियां बहुत उपयोगी हैं, मैं उनके महत्व को स्वीकारता हूं, लेकिन वो अटकने के लिए नहीं है, आगे बढ़ने के लिए है। जो अटक जाएगा वो उन आदिवासियों जैसा मूर्तपूर्ण व्यवहार कर रहा है। तो प्रथम पांच अंग आप सबने सुने होंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनके संबंध में मैं ज्यादा कुछ ना कहूंगा, आप सब भली भांति जानते हैं, मैं केवल दो दो पंक्ति में संक्षिप्त में याद दिला दूं। यम का अर्थ है परहेज और नियम का अर्थ है नियमित रूप से रेगुलरली कुछ करना। ये करीब करीब ऐसा है जैसे कोई डायबिटीज का मरीज डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने दो प्रकार की बातें उससे कही,
एक कहा कि मिठाई मत खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खाना, क्या क्या परहेज करना है ये बताया, और दूसरा क्या क्या करना है वो बताया, ये गोली कैप्सूल खाना है, ये रात को इंजेक्शन लगेगा, इतनी एक्सरसाइज रोज करनी है, वजन घटाना है, ये पॉजिटिव चीजें बताई। तो कुछ नेगेटिव चीजें थी क्या क्या नहीं करना है और कुछ पॉजिटिव चीजें थी, दोनों से मिलकर इलाज पूरा होता है। ठीक ऐसे ही यम और नियम, यम अर्थात परहेज और नियम अर्थात जो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, यहां से शुरुआत होती है। फिर आता है आसन। आसन के बारे में पतंजलि ने केवल तीन छोटे छोटे शब्द उपयोग में लाए हैं, वो हैं स्थिरम सुखम आसनम। जिस पोजीशन में, पोश्चर में तुम सुखपूर्वक ज्यादा देर तक स्थिर रह पाओ उसका नाम आसन है। इसके अलावा पतंजलि ने एक भी शब्द नहीं कहा। यह है आसन। प्राणायाम यानी प्राणों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ वाइटल फोर्स। चार प्रकार उसमें, रेचक पूरक अर्थात इनहेलेशन एक्सहेलेशन, कुंभक यानी श्वास को रोकना, और एक सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम, ये चार प्रकार कहे। इसमें भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सूक्ष्म आंतरिक, योगियों ने करीब करीब उसको इग्नोर कर दिया, छोड़ ही दिया है, केवल स्थूल बातों को पकड़ लिया। यहां भी भूल हुई है प्राणायाम में भी, और आसन के नाम पर भी भूल हुई है। वो स्थिरम सुखम आसनम, उसको भूलकर हम ना जाने क्या क्या सीख रहे हैं, जो उसमें ना तो स्थिर हो सकते और ना ज्यादा सुखपूर्ण सुविधापूर्ण हो सकते, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। जहां कष्ट होगा उसी बिंदु की याद आएगी। योग बना था उड़ने के लिए अंतराकाश में, और हम शरीर को ऐसी पोजीशन में रखेंगे जिसमें शरीर में कहीं तकलीफ हो रही है, हमारी सारी चेतना शरीर केंद्रित हो जाएगी, हम अंतराकाश में उड़ान भर ही नहीं पाएंगे। तो आसन के साथ भी भूल हो गई और प्राणायाम के साथ भी भूल हो गई। हम रेचक पूरक अंतरकुंभक बहिर्कुंभक, इन स्थूल बातों को तो पकड़ लिए, बचकानी बातें जल्दी पकड़ में आती हैं। और पतंजलि ने जो मुख्य बात कही है सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम, वह बिल्कुल ही हम भूल गए। सावधान, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं क्या महत्वपूर्ण है। थोड़े मैच्योर बनो, ये फिर प्रत्याहार अर्थात भीतर की तरफ मुड़ना, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता, एक्स्ट्रोवर्ट कॉन्सियसनेस हमारी पलटे और इंट्रोवर्ट हो। ये पांच गौण बातें हैं, ये मंदिर की सीढ़ियां हैं। मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, कोई जरूरत भी नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। मैं मानता हूं कि मैं किन्हीं आदिवासियों के बीच में चर्चा करने नहीं आया हूं, यहां समझदार शिक्षित सभ्य लोग बैठे हुए हैं। हम अपना समय उन तीन महत्वपूर्ण बातों पर ले चलें जो कि योग के मंदिर का निर्माण करती हैं, वो हैं धारणा ध्यान समाधि। धारणा का अर्थ है हमारे मन की ऐसी सोच विचार की प्रणाली, हमारी ऐसी मान्यता जो सच्चाई से मैच करती है, जो सत्य है। हमारा मन काल्पनिक है, वह असत्य को भी मान सकता है, वह झूठी धारणा बना सकता है। वो हमारा सपना होगी, वो हमारी कथा होगी, हमारी कल्पना होगी, और उसके द्वारा सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। हमारी धारणा ऐसी हो जो कि वाकई में यथार्थ का हिस्सा है, तभी हम परम सत्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे। सदगुरु ओशो की एक किताब है योग नए आयाम, उसमें उन्होंने आठ धारणाओं की चर्चा की है। मैं संक्षेप में उन पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहली योग की धारणा है ओशो की दृष्टि में, वो यह है कि जीवन ऊर्जा का विस्तार है, वाइटल फोर्स। अब तो विज्ञान भी इस बात से राजी है। पुराने जमाने में विज्ञान को हम कहते थे पदार्थवादी, मटेरियलिस्टिक, जो मैटर में भरोसा करता है। अब तो विज्ञान भी कहने लगा
कि जिसे हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, वास्तव में वह शक्ति का ही एक रूप है। तीव्र गति से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, तीव्र वेग से घूमती हुई विद्युत ऊर्जा वह पदार्थ जैसी भासती है। तो पुराने समय में हम जो दो विभाजन मानते थे, पदार्थ और शक्ति, अब वो विभाजन नहीं रहा। आप जानते होंगे 1930 में एक अद्भुत फिजिक्स की शाखा शुरू हुई, क्वांटम फिजिक्स। एक बिल्कुल नया शब्द गढ़ा गया जो पहले कभी था नहीं, क्वांटा। एक नए शब्द की जरूरत पड़ी क्योंकि वैज्ञानिक जिन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे वो पुराने किन्हीं शब्दों में परिभाषित नहीं होती। हमारी पुरानी धारणा थी शक्ति अलग है, पदार्थ अलग है। वैज्ञानिकों की खोजबीन एक नए तथ्य का उद्घाटन की जो कि कण भी है और तरंग भी है, पार्टिकल भी है और लहर भी है, उसे क्या कहें। कभी कभी वह पदार्थ जैसा लगता है और कभी कभी वह तरंग जैसा, लहर जैसा लगता है। एक नया शब्द गढ़ा गया, क्वांटा, अर्थात कण तरंग, अर्थात पदार्थ ऊर्जा, या सरल शब्दों में हम जैसे कहते हैं ना एक्स, समथिंग अननोन। उस अननोन के दो रूप हैं प्रकट होने के, कभी वह तरंग जैसा महसूस होता है और कभी पदार्थ जैसा महसूस होता है, कण जैसा। योग की यह प्राचीन से प्राचीन धारणा है, आज विज्ञान भी उसका समर्थन करता है। याद रखना, योग एक विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। योग में डूबने के लिए किसी श्रद्धा की, किसी भरोसा की, अंधविश्वास की जरूरत नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक चिंतन मनन वाला प्रयोग धर्मी साहसी बुद्धिमान व्यक्तित्व चाहिए, विचारशील व्यक्ति चाहिए, अंधविश्वासी नहीं। और यह भी याद रखना, योग की खोज चाहे हिंदुओं ने की हो, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि योग हिंदू हो गया। बिजली के बल्ब की खोज किसी ईसाई ने की थी, इससे क्या बिजली ईसाई हो जाती है? खोज किसी ने भी की हो, बिजली बिजली है, उस पर किसी की बपौती नहीं है। ठीक ऐसे ही योग भी एक विज्ञान है। इस देश में उसे खोजा गया, इसका यह मतलब नहीं है कि योग भारतीय हो गया, कि योग हिंदू हो गया। नहीं किसी धर्म की, नहीं किसी देश की, नहीं किसी राजनीति की सील मोहर उस पर लगाना। वह एक शुद्ध विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। कोई भी जो प्रयोग करने को राजी है इसमें प्रवेश कर सकता है। साहस चाहिए, समझ चाहिए। तो पहली धारणा ओशो कहते हैं वह है सारा जगत ऊर्जा का विस्तार है। पदार्थ और शक्ति का भेद समाप्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण धारणा योग की है वह यह है कि वो जो एक्स या क्वांटा या अज्ञेय, जो भी हम उसको नाम दें, उसके दो आयाम हैं, दो डायमेंशन हैं। जैसे कोई लहर अप एंड डाउन होती है, ऊपर और नीचे, ठीक ऐसे ही यह जो अज्ञात शक्ति है, रहस्यमयी ऊर्जा है, इसका भी होना और ना होना, अप एंड डाउन चलते हैं। हम जिनको विपरीत बातें समझते हैं वे विपरीत नहीं है। तो योग की पहली धारणा, पदार्थ और शक्ति एक दूसरे के विपरीत नहीं है, भिन्न नहीं है, एक ही है, क्वांटा से वह धारणा मैच करती है। योग की दूसरी धारणा कि ऊर्जा के दो रूप हैं, कभी वह प्रकट होती है, कभी अप्रकट हो जाती है, कभी वह जागरण बनती है, कभी वह सुसुप्ति हो जाती है, कभी वह बीज बनती है, कभी वह वृक्ष हो जाती है, अप्स एंड डाउन्स। अगर पर्वत शिखर है तो बगल में उसके खाई होगी। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे की परिपूरक है, कंप्लीमेंट्री। योग का अर्थ है जोड़। जहां जहां हम भेद देखते हैं, द्वैत और डुअलिटी देखते हैं, योग कहता है कि वहां पर एक है,
अद्वैत है। तो पहला हमारे मन में जो भेद है वो पदार्थ और शक्ति के बारे में था। दूसरा हमारे मन में जो गहरा भेद समाया है वो है अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, साधु असाधु। योग कहता है इनमें भी भेद नहीं है, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। संक्षेप में हम कहें राम और रावण। आपने एक शब्द सुना होगा रिलेटिविटी, आइंस्टीन का प्रसिद्ध सापेक्षितावाद का सिद्धांत। वह कहता है सब कुछ सापेक्ष है। वह तो फिजिक्स के बारे में कह रहा है लेकिन यह बात योग की धारणा से बिल्कुल मैच करती है। हम जिसे साधु कहते हैं वो थोड़ा कम असाधु है, और जिसे हम असाधु कहते हैं वो थोड़ा कम साधु है। डिग्रीज का भेद है। हम जिसे अच्छा आदमी कहते हैं वो थोड़ा कम बुरा है, और जिसे बुरा आदमी कहते हैं वो थोड़ा कम अच्छा है। इसका मतलब हुआ एक ग्रे कलर का स्पेक्ट्रम है। उसमें एक तरफ बढ़ो तो थोड़ा सफेद रंग बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ बढ़ो तो थोड़ा काला रंग बढ़ता जाता है। हम जिनको एक्सट्रीम कह रहे हैं सफेद और काला, ऐसी दो चीजें नहीं है। उसी एक स्पेक्ट्रम, ज्यादा ग्रे और कम ग्रे, मात्रा का अंतर है, गुणात्मक अंतर नहीं है। और इसलिए योग की धारणा नीति और अनीति के पार है। नैतिकता अनैतिकता ये सामाजिक मान्यताएं हैं, योग इनसे परे है। वह कहता है ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। अभी थोड़ी दिन पहले मुझे ख्याल आया, थाईलैंड में सर्वाधिक लोग भिक्षु बनते हैं। वहां पुराना नियम रहा है कि हर परिवार में से कम अगर चार बेटे हैं तो एक बेटा भिक्षु बने। तो अंदाज ऑफ एवरेज 25% जेंट्स भिक्षु हो जाते हैं। इतनी बड़ी गिनती में दुनिया में कहीं भी साधु नहीं है। हमको लगेगा कितने अच्छे लोग हैं, ये देश कितना अच्छा है, कितना अच्छा नियम बनाया। थोड़े गहराई से देखना इसका परिणाम क्या होता है। वहां की 25% महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं, और इसी कारण दुनिया का सबसे बड़ा वैश्यालय थाईलैंड है। अच्छाई और बुराई जिन्हें हम कहते हैं वे जुड़ी हुई हैं। हमारी दृष्टि में कहां वैश्या और कहां साधु, दो एक्सट्रीम अपोजिट। नीचे नीचे चीजें जुड़ी हुई हैं। अच्छे से अच्छे आदमी में आप खोजने जाएंगे तो बुरे तत्व मिल जाएंगे, और बुरे से बुरे आदमी में खोजने जाएंगे उसमें भी कुछ दिव्य गुण मिल जाएंगे। कोई 100% बुरा नहीं है और कोई 100% अच्छा भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं अगर अच्छाई का ढेर लग जाएगा तो उसका ठीक विपरीत बुराई का ढेर भी लग जाएगा। अगर एक समतल जमीन हो और मैं आपसे कहूं कि एक छोटी सी पहाड़ी बनाइए, मिट्टी को का ढेर लगाइए, आप क्या करेंगे? आप फावड़े कुदाली से मिट्टी खोद के एक ढेर लगा देंगे, कहें ये देखिए छोटा सा टीला बना दिया। आपने दो काम किए हैं, एक काम नहीं किया। टीला बनने के साथ साथ एक गड्ढा भी बन गया, और जितना ऊंचा ये टीला है उतना ही गहरा वह गड्ढा होगा, बराबरी का। एक चीज नहीं हो सकती। जितने चार्जेस के इलेक्ट्रॉन हैं दुनिया में उतने ही चार्जेस के प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने मैटर और एंटी मैटर खोज लिया, पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स। मैटर और डार्क मैटर शायद आपने सुना हो नाम। हम जितने मैटर को दुनिया में जानते हैं वो केवल 5% है। इससे 19 गुना ज्यादा, 95% मोर, जिसको डार्क मैटर कहते हैं, वह है जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म उपकरणों से उसके बारे में इनडायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं। हर चीज का विपरीत है, मैटर है तो एंटी मैटर है।
पार्टिकल्स हैं तो एंटी पार्टिकल्स हैं, और बराबर मात्रा में है, इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन है, और दोनों का कुल आवेश बराबर है, दोनों मिलकर शून्य हो जाते हैं। योग की प्राचीन से प्राचीन धारणा है कि दुनिया में जो कुछ भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नजर आता है वह सब भी आपस में जुड़ा हुआ है। योग का अर्थ है जोड़, सब कुछ संयुक्त है। योग की फिर तीसरी धारणा है कि जो अस्तित्व में है, प्रकट है, उसके भी फिर दो रूप हैं, जड़ और चेतन। एक पत्थर है, एक पशु है। निश्चित रूप से दोनों में हमें बहुत फर्क नजर आता है। हम कहेंगे पत्थर जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है, कॉन्शसनेस नहीं है। वो पशु में, पंछी में, मनुष्य में चेतना है, कॉन्शसनेस है। हमारी दृष्टि में दोनों अलग अलग हैं। योग कहता है यहां भी हम भ्रांति में हैं, जड़ और चेतन भी आपस में जुड़े हुए हैं। याद रखना, योग यानी जोड़, मैं आपको गहरे जोड़ की बात बता रहा हूं। यह धारणा कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह यथार्थ है, दिस इज द फैक्ट। इसके विपरीत आज तक हम जो मानते रहे वो हमारी मनगढ़ंत कल्पनाएं थी। अगर जड़ और चेतन एक दूसरे में कन्वर्टेबल ना हो तो बताइए खाद और मिट्टी से गेहूं और चावल कैसे पैदा हो जाता है, और गेहूं और चावल खाने से हमारा शरीर कैसे बन जाता है। कन्वर्शन हो रहा है, परिवर्तनशील है। वो जो आपने रोटी दाल चावल सब्जी खाई थी वो आपका रक्त बन गए, आपकी हड्डियां बन गए। वो कैल्शियम जो किसी बीज में मौजूद था अब आपकी हड्डियों में है। वो आयरन जो गुड़ में मौजूद था अब आपके खून का हिस्सा हो गया। अगर आयरन जड़ है तो खून जीवंत कैसे हो गया? कहीं कुछ गहरा जोड़ होना चाहिए। और आज हमारे शरीर में है, कल हम मृत हो जाएंगे, फिर माटी माटी में मिल जाएगी, आयरन आयरन हो जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम हो जाएगा। चेतन जड़ में और जड़ चेतन में निरंतर परिवर्तित हो रहा है। योग कहता है चीजें जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं है। इस बात को खूब गहरे से पकड़ना, जड़ और चेतन में भेद नहीं है। तो पहली धारणा मैंने आपसे कही, सब कुछ ऊर्जा स्वरूप है, क्वांटा एक्स, चाहे हम उसको कुछ नाम ना दे पाए वह क्या, अज्ञात, एक रहस्यमय शक्ति। फिर उसके दो रूप हैं, अप्स एंड डाउन्स, उसका प्रकट होना, समाप्त हो जाना, अच्छाई बुराई, शुभता अशुभता। उनको ऐसा समझना जैसे किसी वृक्ष की जड़ और उसके ऊपर का पेड़। कहां जड़ नीचे की तरफ जाती हुई अंधेरे की ओर अग्रसर, और कहां ऊपर का पेड़ सूरज की रोशनी की तरफ उन्मुख। चाहे हमें पता हो कि ना पता हो, ये दोनों चीजें विपरीत नहीं है। जड़ के बिना ऊपर का पेड़ नहीं हो सकता, ऊपर के पेड़ के बिना जड़ नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। तीसरी बात मैंने आपसे कही, जड़ और चेतन में भी भेद नहीं है, वरना यह जीवन कहां से आता। इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? निश्चित रूप से कुछ सिंपल केमिकल्स मिलजुल के कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स बन गए। विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होते होते कुछ भौतिक धूप ताप बरसात सहते सहते वो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स कैसे आरएनए और डीएनए बन गए। हजारों लाखों प्रकार के पशु पंछी पेड़ पौधे बन गए। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमने जो डिवीजन मान रखा है वो हमारा काल्पनिक है, ऐसा नहीं है। शायद आपको पता होगा कुछ वर्षों पूर्व वायरस से छोटा एक केमिकल मिला,
उसमें डीएनए भी नहीं है। आज से 100 साल पहले जगदीश चंद्र बोस ने खोज की थी कि पेड़ पौधों में जीवन है, उस समय बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। योग तो सदा से जानता था, लेकिन पश्चिम की जगत में यह नई बात थी कि पेड़ पौधों में जीवन है। उसके बाद और खोजबीन हुई माइक्रोस्कोपिक, तब पता चला कि अत्यंत सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, और तब माना गया कि ये लास्ट बायोलॉजिकल यूनिट, इससे छोटा जीवन हो ही नहीं सकता। एक सेल वॉल, बीच में न्यूक्लियस, उसमें डीएनए, साइटोप्लाज्म, ये मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता, चाहे वो पौधे की सेल हो चाहे प्राणियों की सेल हो। और खोजबीन आगे बड़ी, वायरस मिल गए। तब बड़ी अड़चन हुई, शायद उस समय की हिस्ट्री आपको पता हो, करीब करीब 20 साल लगे इस बात को मानने में कि वायरस जिंदा है, क्योंकि उसमें कोई सेल वॉल नहीं है, उसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। पुरानी परिभाषा में वो फिट नहीं होता था कि जीवन है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता है, और रिप्रोडक्शन की क्षमता को अब कहां रखें, उसको केमिकल में रखें कि बायोलॉजी में रखें कि केमिस्ट्री में रखें। फाइनली उसको बायोलॉजी का हिस्सा माना गया। अभी कुछ वर्षों पहले ऐसे केमिकल मिले जिनमें डीएनए भी नहीं है, लेकिन उनमें यह क्षमता है कि अगर रॉ मटेरियल उनके आसपास रखा है तो उसको कन्वर्ट करके वो अपने जैसा केमिकल बनाने लगते हैं। और अभी बहुत विवाद चल रहा है कि अब इसको केमिस्ट्री में रखें कि बायोलॉजी में रखें। अभी तक उसको सिंपल केमिकल मानते थे, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता है, वो आसपास अगर उसके लिए उसका जो न्यूट्रिशन है वो रॉ मटेरियल मौजूद है, उनको हजम करके अपने जैसा बनाने लगेगा। अब उसको जीवित मानना पड़ रहा है। क्या आश्चर्य नहीं होगा कि 10-20 साल में हमें पता चले कि हम जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम्स और मॉलिक्यूल्स कह रहे थे, उन सब में जीवन है। जो लोग क्वांटम फिजिक्स की नूतन धारणाओं से परिचित हैं, वो इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करते होंगे कि वैज्ञानिक अब इस बात को मान लगे हैं कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें कॉन्शसनेस है, और उसका कारण यह है अगर उनका निरीक्षण करो, ऑब्जर्वेशन करो, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। ये तो जीवन का लक्षण है। आप अपने बाथरूम में गीत गुनगुना रहे थे, आईने के सामने बच्चों की तरह मुंह बिचका रहे थे, और आपको अचानक पता चला कि कोई व्यक्ति की होल में से झांक रहा है, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आप एक सब सुशिक्षित व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगेंगे। इससे पता चलता है कि आप एक जीवित व्यक्ति हैं। यदि कोई आपको ऑब्जर्व करेगा तो आप चेंज हो जाएंगे, वैसे ही नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। सुबह आप मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं, सुनसान सड़क है, कोई नहीं है, आप अपनी मौज में मस्ती में, आपकी चाल निराली है, तभी आपने देखा एक फल्लांग दूर एक गली से एक आदमी निकला और वो आपकी तरफ आ रहा है। ना आप उसको जानते, ना वो आपको पहचानता, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको देखते से ही अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे, आपकी चाल में एक सूक्ष्म परिवर्तन आ गया। ये तो जीवंतता का लक्षण हुआ। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑब्जर्वेशन करो तो बदल जाते हैं। इसका मतलब उनमें चेतना है। तो जड़ और चेतन का जैसा भेद हमने मान रखा था वो झूठा साबित हुआ, और योग की यह तीसरी धारणा बिल्कुल सही साबित हुई कि जड़ और चेतन में भी कोई भेद नहीं है। आगे फिर चेतन को हम कहें, वह भी दो प्रकार का है, एक केवल परचेतन दूसरे के प्रति सजग, और एक है स्वचेतन, सेल्फ अवेयर, स्वबोध की क्षमता। पशु पंछी चेतन हैं, किंतु केवल दूसरों के प्रति उनकी इंद्रियां सजग हैं, इंद्रियों को बंद करके वे स्वयं को नहीं जानते, ये जानने की क्षमता उनकी नहीं है। यहां पर मनुष्य उनसे भिन्न हो जाता है। हम न केवल बाहर के जगत के प्रति सजग हैं, हम स्वयं के प्रति भी सजग हो सकते हैं, आत्मज्ञान की संभावना है। माना कि हम मनुष्यों में यह गुण
सीड फॉर्म में, बीज रूप में ही है। हम इसको विकसित करेंगे तो यह विकसित हो जाएगा, नहीं करेंगे तो बीज रूप में पड़ा रहेगा, वो वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो चेतन में भी फिर दो डायमेंशन हो गए, एक पशु पंक्षी पेड़ पौधों की चेतना, जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड वस्तुगत जगत के लिए खुली हुई है, उनके प्रति संवेदनशील है, और एक मनुष्य की चेतना जिसमें स्वचेतना स्वबोध की क्षमता है। यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। तो प्यारे मित्रों, योग की ये धारणाएं हमें ध्यान की ओर अग्रसर करते हैं। पतंजलि ने जो विभाजन किया ना, धारणा ध्यान समाधि, दो तीन धारणाएं और जो हमें अंततः ध्यान की ओर ले जाने में बहुत सहयोगी होंगी। और याद रखना, ये कोई सैद्धांतिक दार्शनिक बातें नहीं है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य हैं। तो अगली धारणा में आपसे कहना चाहता हूं योग की, वह यह है कि यह पूरा जगत एक परिवार है, हम सब जुड़े हुए हैं, संयुक्त। योग का मतलब ही होता है संयुक्त, कंबाइंड, वसुधैव कुटुंबकम, इस देश के प्राचीनतम ऋषियों की घोषणा है। तो वसुधैव कुटुंबकम में केवल मनुष्य ही नहीं आते, पशु पंक्षी भी आते हैं, जड़ पदार्थ भी आते हैं, दूसरे ग्रह नक्षत्र भी आते हैं, दूसरी गैलेक्सियां भी आती हैं, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ जुड़ा हुआ है और संयुक्त है। अगर हम केवल पदार्थ ही होते, अगर हम केवल इंडिविजुअल अलग अलग होते, तब तो हमारे बीच कोई नाता ना होता, गहरा नाता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वृक्ष वो सांस ले लेते हैं, वो उनके लिए जीवनदायी है, वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो हमारे लिए जीवनदायी है। क्या आप कह सकते हैं कि जंगलों और पेड़ पौधों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट है? नहीं, हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं। यहां ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई परतंत्र है। ओशो ने एक नया शब्द दिया, परस्पर तंत्रता, इंटरडिपेंडेंस। दूर के ग्रह नक्षत्र, चाहे हम उनको जानते भी ना हो कि वो हैं, उनसे भी हमारे सूक्ष्म धागे जुड़े हुए हैं। ये सूरज, ये सौर मंडल के अन्य ग्रह, हम सब गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। ये पूरी की पूरी गैलेक्सी ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधी हुई है। हम अलग थलग नहीं है, ना तो वर्तमान के क्षण में अलग हैं और ना अतीत से और भविष्य से हम भिन्न हैं। यह भी हमारी पुरानी गलत धारणा है कि अतीत हो चुका, भविष्य आने को है। मैं आपसे चाहूंगा, आधुनिक क्वांटम धारणाओं का थोड़ा चिंतन मनन कीजिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और तब आप हैरान हो जाएंगे। एक इटर्नल नाउ, एक शाश्वत वर्तमान है बस। पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज नहीं है, ना कभी थी ना कभी होगी। ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सिद्ध हुआ एक तथ्य है। आधुनिक विज्ञान योग की धारणाओं के बहुत निकट पहुंचा जा रहा है। आश्चर्य नहीं कि अंतरराष्ट्रीय रूप से आज योग को स्वीकार किया जा रहा है। आने वाले 25 साल में भली भांति सिद्ध हो जाएगा कि योग की सारी धारणाएं पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, पूर्णतः। बल्कि विज्ञान की जो धारणाएं थी वो रोज रोज गलत साबित होती चली जा रही हैं। आइंस्टीन के पहले यूनिवर्स की जो एक मैकेनिकल धारणा थी, मशीन जैसी, वह धारणा पूरी गलत साबित हो गई। क्वांटम फिजिक्स की इजाद के बाद सब कुछ डगमगा गया। फिजिक्स की बेसिक प्रिंसिपल्स की जड़ें उखड़ गईं।
शायद आपने एक शब्द सुना हो, इश्पुकी एक्शन एट डिस्टेंस। अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए और जरा इसके इंटरनेट पर खोजबीन करिएगा। इश्पुकी एक्शन पहले असंभव माना जाता था, उसका मतलब है कि यहां कुछ किया जा रहा हो अरबों खरबों मील दूर, उसके परिणाम तुरंत हो जाएंगे। तुरंत मानते ही नहीं थे, कहेंगे ट्रेवल करने में समय लगेगा। सर्वाधिक तीव्र गति प्रकाश की है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई सूचना यहां से वहां तक जाएगी, इसमें मिनिमम इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। क्वांटम की नई प्रयोगशालाओं में सिद्ध हुआ है कि स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस इज पॉसिबल। वो जो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं उसके साथ यहां कुछ किया जाएगा और दूसरे पार्टिकल्स पे जो अरबों खरबों मील दूर है उस पे उसके इफेक्ट तुरंत होंगे, तुरंत। वो किस विधि से जुड़ा हुआ है ये एक विराट रहस्य हो गया। लेकिन परिणाम सामने है तो मानना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। हमारे गणित में फिट नहीं बैठती बात, हमारा तर्क मानने तैयार नहीं होता, तो हमें अपना तर्क बदलना पड़ेगा। जो तथ्य है उसको कैसे इनकार कर सकते हैं, वो तो है सामने। हमारा तर्क कहता था ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सब, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है, एक विराट ऊर्जा का सागर है, उसकी हम सब छोटी छोटी तरंगे हैं, लहरें हैं। गहराई में हम सब जुड़े हैं। दो लहरें ऊपर से कितनी दूर दिखाई देती हों, लाखों मील दूर हैं, लेकिन नीचे सागर एक ही है, वही जल का भंडार है, वही यहां लहरा रहा है, वही वहां लहरा रहा है, कोई भेद नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। सदगुरु ओशो कहते हैं योग की यह अद्भुत धारणा, यह सारा जगत एक परिवार है, हम सब जुड़े हैं। इसके बाद अगली धारणा वे कहते हैं यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। योग का पुराना से पुराना यह वचन आपने सुना होगा, जो अंड में वही ब्रह्मांड में। एक बहुत अच्छा वीडियो कुछ समय पहले मैंने देखा, शायद आपने भी देखा हो, जिसमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, सूक्ष्मदर्शी से और दूरबीन से देखी जाने वाली चीजों को क्रमशः दिखाया गया है। एक पेड़ से उन्होंने शुरू किया, थोड़े ऊपर गए, पहले पत्ती दिख रही थी, पत्ती के बाद पेड़ दिखा, और ऊपर गए पूरा जंगल दिखा, अब एक वृक्ष समझ में नहीं आ रहा, और दूर गए अब जंगल नहीं दिख रहा, पूरी पृथ्वी दिख रही, और ऊपर से देखा, और ऊपर चले चले चले, और दूसरी तरफ पत्ती के भीतर माइक्रोस्कोपिक ढंग से देखा, मॉलिक्यूल में पहुंचे और गहरे पहुंचे, एटम में पहुंचे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पहुंचे और गहरे, और ये दो चित्र बिल्कुल एक से नजर आते हैं, दो एक्सट्रीम पे पहुंच के। योग की धारणा सदा सदा से यही है, जो अंड में सो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही अंड में। अगर बीज में वृक्ष ना होता तो वृक्ष आता कहां से, और वृक्ष में फिर बीज आ जाता है, बीज में से फिर वृक्ष आ जाता है। एक पुरानी पहेली है, पहले अंडा की पहले मुर्गी, आज तक उसका कोई हल नहीं निकला, क्योंकि हम दो अपोजिट में बांटने के आदि हैं, तब ये पहेली कभी हल नहीं होगी। अब वैज्ञानिक जिस चीज को कहने लगे हैं एक्स क्वांटा, हमको भी समझना चाहिए मुर्गा अंडा दो अलग अलग चीजें नहीं, कोई एक एक्स फोर्स है, अंडा मुर्गी उसका कंबाइंड नाम रख लो, जैसे कण तरंग उन्होंने एक नया शब्द बना लिया, अलग अलग नहीं, कोई एक ही चीज है, वही कभी मुर्गी बन जाती है, वही कभी अंडा बन जाती है। ठीक इसी प्रकार पूरी यह सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स खोजे, पहले ब्लैक होल्स की खोज हुई कि वहां सब चीजें विलीन हो जाती हैं, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि प्रकाश की किरण भी वहां से नहीं आ सकती, उसको भी खींच लेता है।
उसमें महासूर्य विराट तारे भी जाकर समा जाते हैं, छोटे से धूल की कण की भांति गायब हो जाते हैं, वहां जो गया सब गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज के करीब करीब 20 साल बाद व्हाइट होल्स की खोज हुई, जहां से नए नए तारे निकलते रहते हैं, नई नई आकाश गंगाएं प्रस्फुटित होती रहती हैं और नई बात का पता चला, जिसे हम ब्लैक होल और व्हाइट होल कह रहे हैं वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहां से चीजें विलीन हो रही, गायब हो रही हैं, मृत्यु घटित हो रही है और दूसरी तरफ से प्रकट हो रही हैं। बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है। हमारी भाषा में हम ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं, हमारे पास दूसरे शब्द ही नहीं है, वो जुड़े हुए हैं। अब उसको क्या कहोगे? सिक्के का एक पहलू वो है, एक पहलू ये है, एक तरफ जन्म है, एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ बसंत है, एक तरफ पतझड़ है। इस टोटल को क्या नाम दोगे? योग का मतलब है टोटल, संयुक्त, जुड़ा हुआ। यह धारणा हमें परम स्वीकार भाव में ले जाती है। कुछ विपरीत नहीं रह गया, यहां कुछ चुनने को नहीं बचा, कोई द्वंद ही नहीं है। हम रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अगली धारणा, छोटा बड़ा भी नहीं है, खूब अच्छे से समझ लीजिए, अंड ब्रह्मांड एक है। सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई सुपीरियर है ना कोई इंफीरियर है, न हीनता की ग्रंथि से पीड़ित होने की जरूरत है ना महानता की ग्रंथि से पीड़ित होने की जरूरत है। सब चीजें संयुक्त हैं। छोटे सा बीज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विराट वृक्ष, सब कुछ बराबरी का है महत्वपूर्ण। तो अगली धारणा योग की कि सब कुछ बराबर समान, इससे सम्यकत्व पैदा होता है, समता भाव उत्पन्न होता है, हमारा अहंकार समाप्त होता है, ना कोई छोटा है यहां ना कोई बड़ा है, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। छोटी से छोटी पत्ती गहरी से गहरी जड़ से जुड़ी हुई है, छोटी से छोटी घास की पत्ती 10 करोड़ मील दूर के सूरज से जुड़ी हुई है, उससे प्रकाश की किरणें आती हैं, वो भोजन पका लेती है। कैसे कहो कि अलग अलग हैं? क्षुद्र और विराट ऐसी दो चीजें नहीं है, आत्मा और परमात्मा ऐसी भी दो चीजें नहीं है। योग की है धारणा अत्यंत अद्भुत है। अगली धारणा ओशो कहते हैं वो है प्रवाह की, फ्लो हो रहा है। जीवन एक सरिता की भांति है, तालाब की भांति नहीं, कुछ रुका हुआ मुर्दा नहीं है, चीजें यहां से वहां आ जा रही हैं, करीब करीब श्वास के आने और जाने जैसा। जरा सोचो, एक कुआं अगर सागरी स्रोतों से जल लेना बंद कर दे और गांव के लोगों को पानी देना बंद कर दे तो उस कुएं का क्या होगा? वो सड़ेगा, गलेगा, बदबू देगा और नष्ट हो जाएगा, वो कुआं ही नहीं रहेगा। लेन देन चलता रहे, इसी में कुएं का होना है। लोग पानी उलिसते रहे और अदृश्य झरने जो सागर से जुड़े हुए हैं नया नया जल लाते रहे। सब कुछ ऐसा ही है कुएं जैसा। क्या इस विराट वायु के सागर में से हम जो श्वास ले रहे हैं वह वैसे ही नहीं है? और हमने ली नहीं कि हमने छोड़ दी। लेना छोड़ना, लेना छोड़ना पकड़ से मुक्त कर देगा। योग की यह धारणा हमें अटैचमेंट और मोह से मुक्त करेगी। हम खुल जाएंगे, एक प्रवाह है, आने देना और जाने भी देना। हमारी सामान्य धारणा पकड़ने की है और वह पकड़ हमारी जीवंतता को, जीवन के प्रवाह को, उस ऊर्जा के फैलाव को रोक देती है। अगर आपको अपने प्राणों का आयाम, आयाम का मतलब होता है फैलाव, एक्सपेंशन, अगर आपको वास्तविक प्राणों का आयाम करना है तो आपको जगत के साथ
इस कुटुंब वाली धारणा के संग डूबकर इस आदान प्रदान के खेल में अपने आप को छोड़ देना होगा। बहुत कुछ तरंगे आप तक आ रही हैं, बहुत कुछ आपसे जा रहा है। कंजूस और कृपण व्यक्ति अपने आप को रोक लेता है, ना तो देने में रोकना और ना लेने में रोकना। जैसे श्वास को हम आने देते और श्वास को जाने देते, जो व्यक्ति जाती हुई श्वास को रोक लेगा, याद रखना फिर वो श्वास ले भी नहीं पाएगा। कहीं मत रोकना, कुछ मत रोकना। आज कोई तुम्हारा मित्र बन गया है, मित्रता को स्वीकार करना, कल कुछ दुश्मनी हो जाती है, स्वीकार करना, अब उसको जाने भी देना। पकड़ना मत, जन्म मिला है, जीवन मिला है, अहोभाव से स्वीकार करना, मृत्यु आ जाए स्वीकार करना। कुछ मिला था अब छूट रहा है, जा रहा है, आने दो, जाने दो, जाने दोगे तो फिर नया मिल जाएगा, फिर नया जन्म हो जाएगा। इस खेल को मजे से चलने दो, इसमें कहीं भी अवरोध मत खड़ा करो, रोको मत। तो प्यारे मित्रों, इन धारणाओं के बाद अब मैं आता हूं स्वचेतन की धारणा, जो मनुष्य में बीज रूप से मौजूद है। इसका विकास किया जा सकता है, इसको विकास करने के कई उपाय हैं। हम स्वयं के प्रति कैसे चैतन्य हो, 8 हमारे चक्र हैं, उनके नाम आपने सुने ही होंगे, और उनसे संबंधित 8 प्रकार के योग हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी करूंगा। मूलाधार चक्र, उससे संबंधित हमारे शरीर के कर्म हैं। अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाओ, स्वबोध का एक पहला उपाय। शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश, हमें अपने प्रति होश आना शुरू हुआ, इसका नाम है कर्मयोग। दूसरा है अपनी इंद्रियों की संवेदनशीलता के प्रति सजग होना, इसे कहा जाता है तंत्र योग। अपनी 5 इंद्रियां, उनके प्रति जरा ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बनो, संवेदनशील बनो। पश्चिमी मुल्कों में अभी संवेदनशीलता के ऊपर काफी प्रयोग चलते हैं, बहुत मनोवैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि मनुष्य की संवेदना कैसे बढ़ाएं, छोटे छोटे प्रयोग। वे तंत्र की साधना ही सिखा रहे हैं एक प्रकार से। तीसरा है हठ योग, श्वास की साधना, मणिपुर चक्र से संबंधित। तो दूसरा योग स्वाधिष्ठान से संबंधित था, तीसरा मणिपुर चक्र या नाभि केंद्र जिसे कहते हैं उससे संबंधित। याद रखना, हठ का मतलब हठी होना, जिद्दी होना, आग्रही होना नहीं है। ये संस्कृत के हम और ठम, आती और जाती श्वास के जो प्रतीक ध्वनियां हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म है हठ। आती जाती श्वास के प्रति होश को साधना, बुद्ध जिसे विपस्सना अनापान सती कहते हैं, अपने प्रति चेतन होने का, स्वचेतन होने का एक उपाय है। चौथा है हृदय केंद्र अनाहत चक्र से संबंधित, अपनी भावनाओं के प्रति सजगता, इसका नाम है भक्ति योग। 5वां है अपने मन में चल रहे विचारों के दृष्टा हो जाना, मन के साक्षी होना, यह ज्ञान योग, मंत्र योग भी इसी में शामिल होता है। 6वां है राजयोग, आज्ञा चक्र से संबंधित। पीछे जो मैंने 5 बातें कही, उन सब के प्रति इकट्ठे सजग होना, वह राजयोग है। विभाजन मत करो, बांटो मत कि मैं कर्म का साक्षी होऊंगा, कि इंद्रियों का, कि श्वास का, कि विचार का, कि भाव का। जीवन में सभी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, कभी कुछ प्रमुख है, कभी कुछ, जब जो हो जैसा हो उसी के प्रति सजग हो जाओ, साक्षी हो जाओ, इसका नाम है राजयोग। फिर इसके बाद आता है सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब है बिना किसी सहारे के सीधे सीधे आत्म सुमिरन में स्वयं के साक्षी हो जाओ। अन्य चीज में हमने किसी चीज का उपयोग किया था, कुछ सहारा लिया था,
इसमें बिना किसी सहारे के, बिना किसी विधि के, बिना किसी टेक्निक के। सदगुरु ओशो एक उपमा से समझाते, समझो किसी वैद्यराज के पास कोई रोगी आया और उसने कहा कि मुझे ये तकलीफ है, कुछ दवाई दीजिए। वैद्यराज ने उसको चूर्ण पीस के दिया दवाइयों का और कहा कि इसको दूध के साथ पी लेना। उसने कहा कि क्षमा करिए, मेरे पास तो दूध का इंतजाम नहीं, गाय भैंस नहीं है, मैं हरियाणा का निवासी नहीं हूं, महानगर में रहता हूं, वहां भैंस पालने की सुविधा नहीं है, दूध नकली मिलता है कुछ और। वैद्यराज ने कहा कोई बात नहीं, दूध नहीं है तो शहद में घोल के चाट लेना। वो कहने लगा मैंने तो शुद्ध शाकाहार का व्रत लिया हुआ है, मधुमक्खियों से प्राप्त शहद में ग्रहण नहीं करता, कुछ और उपाय बताएं। वैद्यराज ने कहा पानी में घोल के पी लो, असली बात है ये औषधि तुम्हारे पेट में पहुंचे, मुख्य बात यह है। दूध या शहद या पानी यह महत्वपूर्ण नहीं है। और वह रोगी अगर कहे कि क्या मैं दवाई ऐसी खा जाऊं तो वैद्यराज कहेगा खुशी की बात है, खा सकते हो। ठीक ऐसे ही साक्षी की औषधि को, अर्थात स्वयं के प्रति चैतन्य होने की औषधि को हम कर्म में, इंद्रियों में, श्वास में, भाव में, विचार में लगा दें तो इनके नाम पर अलग अलग योग पड़ जाते हैं। ये दूध पानी शहद इत्यादि जैसे हैं। सांख्य योगी कह रहा है मैं सीधा ही दवाई को टक जाता हूं, स्वयं के प्रति चैतन्य होना है ना, बस तो सीधा हो जाता हूं, इसमें कुछ कर्म वर्म की श्वास वास की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। ऐसा भी किया जा सकता है, यह सहस्त्रार चक्र से संबंधित है। और आठवां है सोम चक्र से संबंधित सहज योग, ओंकार की ध्वनि में लीनता, उसके प्रति सजगता। तो स्वचेतन होने के ये मुख्य आठ प्रयोग हैं, ये ध्यान की विधियां हैं। इससे हम स्वयं के प्रति होश से भरते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप से हम परिचित होते हैं। अब मैं आता हूं आखिरी बिंदु पर, और योग की वह अंतिम धारणा थोड़ी चौंकाने वाली है। योग कहता है स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, स्वयं से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द सेल्फ, जब तक ये ना हो तब तक पूरा आत्मविकास नहीं हुआ। तो स्वचेतन के बाद खोजो ये मैं वास्तव में कौन हूं, इसकी खोज करते 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 तुम पाओगे अहम जैसी तो कहीं कोई चीज मिली ही नहीं। स्वचेतन होना अनिवार्य है, उसका नाम है ध्यान, साक्षित्व। और ध्यान के बाद पतंजलि ने गिनाया है समाधि। अब स्वास्थ्य मुक्ति भी जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य मुक्त वही हो पाएगा जो स्व हुआ, जो स्वयं को जानता ही नहीं वो स्वयं से मुक्त क्या होगा। ये आखिरी जंजीर है मैं भाव, ये स्व स्मरण। अब स्व से सर्व की ओर चलो, और उसका उपाय है खोजो ये मैं कौन हूं, और ऐसा मैं तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा। हां चैतन्यता मिलेगी, ओंकार मिलेगा, आलोक मिलेगा, विभिन्न दिव्य गुणों से ओतप्रोत अंतराकाश मिलेगा, लेकिन कहीं कोई विभाजन नहीं मिलेगा कि यहां कौन मैं है और कौन तू है। ना वहां कोई मैं है, ना वहां कोई तू है, ना वहां कोई भक्त है, ना वहां कोई भगवान है। अहम से भी मुक्ति हो जाएगी और ब्रह्म से भी मुक्ति हो जाएगी। एक विराट शून्य में प्रवेश होगा, इसको बुद्ध कहते हैं निर्वाण, दीपक का बुझ जाना, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ स्वयं से मुक्ति, स्वयं का होना आखिरी बंधन था, वही भी गया। पता चला कि मैं जैसे हूं ही नहीं, सर्व ही है। जैसे किसी लहर को अपनी गहराई में जाके पता चला कि सागर है, वास्तव में सागर ही है, और मेरे भीतर जो है जिसको मैं समझ रहा था वह भी सागर ही है। मैं सागर हूं, सागर में है, कोई दो अलग अलग बातें नहीं है। भारत में परंपरा है, हम भगवान की मूर्ति बनाते भी हैं,
गणेश जी की पूजा करते हैं और फिर 10 दिन बाद विसर्जन भी कराते हैं, पानी में डुबा आते हैं। पश्चिम के लोगों को जब पहली बार पता चला हिंदुओं का यह क्रियाकांड तो बड़े हैरान हुए, इतनी सुंदर मूर्ति तुमने बनाई, कितनी उसमें मेहनत की, सजाया धजाया, पूजा की, अपने भाव उसमें डाले और अंत में जाके पानी में बहाए, ये भी कोई बात हुई? अध्यात्म की गहरी से गहरी बात यही है। ठीक ऐसे ही हमें भी, जिसको हम कहते हैं आत्म विकास, इन धारणाओं के चलते चलते वो 8 प्रकार से ध्यान में डूब डूब के, पहले हमने स्वयं की मूर्ति को निखारा, सजाया, संवारा, जो जो कूड़ा करकस था उसको हटाया और अंत में अब यह मूर्ति भी विसर्जित हो जाए, यह भी ना रहे। तब परिपूर्ण योग हुआ, निर्वाण या मोक्ष वह आखिरी हिस्सा है। समाधि शब्द मृत्यु का पर्यायवाची है, किसी की कब्र को भी हम समाधि कहते हैं और ध्यान की पराकाष्ठा अगले कदम को भी हम समाधि कहते हैं। कभी आपने सोचा ना होगा दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे, समाधि बिल्कुल ठीक कर रहे। समाधि में मैं गायब हो जाता है, जो बचता है वह रहस्यमय जीवन ऊर्जा का सागर है जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, या हम जो भी नाम देंगे वो झूठे होंगे, एक अनाम सत्ता है। प्यारे मित्रों, मैंने आपसे योग के अंतिम 3 अंतरंग धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा की, और जो धारणाएं मैंने आपसे कही हैं वे कोई दार्शनिक काल्पनिक मनगढ़ंत बातें नहीं है, वे जीवन का यथार्थ है और सब प्रकार से आधुनिक विज्ञान उनके पक्ष में है, और अगर कहीं नहीं है तो आने वाले 10-20 साल में हो जाएगा, इसकी भविष्यवाणी करता हूं। योग परिपूर्ण रूप से चेतना का विज्ञान है। ओशो की यह किताब जिसका मैंने नाम लिया, जिसमें उन्होंने इन धारणाओं की चर्चा की है, उसका पहले नाम था योग के नए आयाम। बाद में जब उसका नया संस्करण छपा ओशो ने उसका नाम परिवर्तित कर दिया, चेतना का विज्ञान। मुझे यह और भी अच्छा लगा, वास्तव में यह चेतना का विज्ञान ही है। तो एक पदार्थ का विज्ञान हम जिसे जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, ठीक वैसे ही स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म चेतना का विज्ञान है। साइंस ऑफ द कॉन्सियसनेस, साइंस ऑफ द सोल, यही योग का अर्थ है। तो योग अर्थात जोड़, मैं अलग थलग नहीं हूं और अंत में फिर मैं बचता ही नहीं। यहीं पर मैं अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।